बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं एक पेनी शेयर के बारे में जो कि आपको 1 रुपए से सस्ते दाम में मिल रहा है। दोस्तों हम लोग जो माइंड सेट होता है क्या होता है, हम लोग सोचते हैं छोटा से छोटा अमाउंट वाला स्टॉक को हम लोग ढूंढेंगे, बाय करेंगे, और वो अभी अगर 50 पैसे में चल रहा है, 50 पैसे में भविष्य में 10 रुपए तक तो ये जाएगा। हम लोग यही सोचकर पेनी शेयर को ढूंढते हैं और बाय करते हैं। हम लोग यहाँ पर बाय किए, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लगा दिए, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी हमारे पास हो गया। जब ये 10 रुपये तक जाएगा तो हम लोग सेल करके निकल जाएंगे और यहाँ पर लाखों का प्रॉफिट करेंगे। इसी सोच विचार के हिसाब से हम लोग पेनी शेयर को ढूंढते हैं और आँख बंद करके बाय कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा करोगे तो बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि पेनी शेयर में हाई रिस्क होता है और हाई रिवॉर्ड होता है। हम लोग को रिवॉर्ड देने वाला स्टॉक को ढूंढना है, ना कि रिस्क वाला। तो आपका भाई है पॉट डे आपके लिए वीडियो लेकर आता है पेनी शेयर के बारे में, पूरा डिटेल्स में छानबीन करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग शेयर का नाम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शेयर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको मिलेगा, सोलिस मार्केटिंग ये शेयर का नाम है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगा। इसका कोड है 538575, इसका कोड है। ये डालोगे तो ये शेयर आपको मिल जाएगा, सिर्फ 62 पैसे में मिल रहा है। अगर आप 100 रुपया भी लगाओगे ना तो आपको यहाँ पर 100 से ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा, 200-250 क्वांटिटी मिल जाएगा। देखिए 5 डे के चार्ट पैटर्न में 4% की गिरावट है। 100 रुपया ही इन्वेस्ट करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 मंथ में आप देखोगे 12% की डाउनफॉल है, 6 महीने में आप देखोगे 58% की अच्छा रिटर्न दिया है। 5 ईयर की चार्ट पैटर्न देखोगे, देखिए दोस्तों कोविड के टाइम में एशेयर 19 रुपये में मिल रहा था, 19 रुपये से एशेयर कहाँ तक गया था अगर मैं आपको दिखाऊँ तो करीबन यहाँ पर 81 पैसे तक गया था, 19 पैसे से 81 पैसा, ये इस बीच एक अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी कंपनी 100% रिटर्न दिया है 5 ईयर में। मैक्सिमम टाइम देखोगे ये जो शेयर 56 रुपीज़ तक गया था 2015 में, लिस्टिंग कब हुआ था, लिस्टिंग हुआ था 49 रुपीज़ करके 2014। जो लोग इस बीच बाय किए होंगे बुरी तरीके से फंस गए हैं, कंपनी पूरा खत्म हो चुका है, क्या और उम्मीद है ये ऊपर जा सकता है। देखेंगे ऑल टाइम में 98% की डाउनफॉल में मिल रहा है, पूरा डिटेल्स में देखेंगे। 1985 से कंपनी चल रहा है, BSE में लिस्टिंग है, सिर्फ 2 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि करंट प्राइस के हिसाब से सही है। बुक वैल्यू से नीचे से यार आपको मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता, फेस वैल्यू 1 का है। स्टॉक पी नेगेटिव है, ROC ROE यहाँ पर ठीक ठाक है, कर्जा 1,90,00,000 का है लेकिन रिजर्व उस हिसाब से ज़्यादा रखा है, एसेट उससे ज़्यादा है, अच्छा बात है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, अर्निंग पर शेयर देखिए दोस्तों 0 है, फ्री कैश नहीं रखा है। नेटवर्थ कंपनी के पास आप देख सकते हो 5 करोड़ का है, यानी कंपनी नेगेटिव तो जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म की नज़रिए में अच्छा है, ठीक है। और 100 रुपीज़ उससे ज़्यादा नहीं, ट्रेडिंग बिजनेस करता है, 8 नंबर पर आता है। कारोबार देखोगे बिल्कुल नहीं हो रहा है, प्रॉफिट देखोगे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, ईयर वाइज कारोबार बिल्कुल नहीं हो रहा है, प्रॉफिट देखोगे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, यानी कंपनी में कारोबार नहीं हो रहा है, कंपनी ऊपर कैसे जाएगा आप सोचो थोड़ा। ये देखिए माइनस है सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस है, CAGR थोड़ा पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है। अगर आप लोग एसेट देखोगे एसेट में दोस्तों डाउन है, नेट कैश फ्लो भी माइनस है। होल्डिंग देखोगे प्रोमोटर के पास 6.20 और ज़्यादातर माल रिटेल इन्वेस्टर यानी पब्लिक बाय किया है। तो रिक्स यार 100 रुपीज़ से नीचे भी आप डालकर यहाँ पर एजुकेशन पर्पज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, लॉन्ग टर्म स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।